सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 पर। लेकिन उससे पहले आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड हाँ, आपको नहीं पता है कि ये सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी क्या है तो पहले जाके देख के आओ। वो एनीमे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। तो सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी रिलीज हुई थी 7 जुलाई 2021 को एंड इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिली है। आईएमडीबी ने इसे 7.7 की रेटिंग दी है, माय एनिमे लिस्ट ने 7.6 की एंड क्रंची रोल ने 5 में से 4.9 की रेटिंग दी है इसे। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मिसुमी मोकोटो, उसे अपनी आवाज़ दी है नासुकी हनाने ने, जिसने डिमन स्लेयर में तांजिरो को भी अपनी आवाज़ दी है एंड और भी कैरेक्टर्स को भी। एंड इसका जॉनरा है इसेकाई, एक्शन एंड फैंटेसी। सो अब चलते हैं ट्रेलर पे। ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि मिसुमी अभी भी दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने की बात कर रहा होता है। उसके बाद शिकी एंड मिसुमी किसी जगह पर होते हैं एंड शायद से ये जगह न्यूट्रेचल सिटी हो सकती है, जो कि हमने सीजन 1 में सुना था, जहाँ पर मिसुमी अपने साथ शिकी को एकेडमी में लाया है। यहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कहती है कि रॉयल कैपिटल के कैसल पर अटैक होने वाला है। शायद से ये लड़की नई कैरेक्टर है जो कि हमें सीजन 2 में मिसुमी का साथ देते हुए दिखेगी। फर्स्ट सीजन में मियो एंड टमोई पे पूरा फोकस था, वैसे ही इस सीजन में भी शायद इस पर ही फोकस रहेगा। उसके बाद टमोई एंड मियो के छोटे छोटे सीन दिखाए जाते हैं। अगले सीन में मिसुमी कोई गाना सुनता है जो कि उसका फेवरेट सॉन्ग होता है। मे बी यहाँ पर इस वर्ल्ड में जो हीरोज है जो कि मिसुमी की दुनिया में से आए हैं, उनमें से एक आदमी मिसुमी के पास आएगा, शायद से मिसुमी के साथ टीम भी बनाएगा। एंड यहाँ पर मिसुमी कोई मुसीबत में पड़ने वाला होगा, क्योंकि टमोई कहती है कि वो मिसुमी को आगे फिर से ट्रबल में होने नहीं देगी। उसके बाद मिसुमी कहता है कि वो सोच रहा है कि उसे आगे से ये फिर से नहीं पहनना होगा, मतलब कि उसका मास्क। आज से इस सीजन में वो अपना मास्क नहीं पहनेगा। उसके बाद मिसुमी उस लड़की को एंड किसी बंदे को अपने साथ उठा के ले जा रहा होता है एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग कोई मुसीबत में होंगे। उसके बाद मिसुमी अपने फायर रैबिट का यूज कर रहा होता है जो कि उसका गॉड लेवल वाला होता है, शायद से इस बार भी कोई खतरनाक विलेन आएगा। बाद में मिसुमी किसी के सामने घबरा के खड़ा होता है एंड उसने मास्क भी पहन नहीं रखा होता है, जिसकी वजह से पीछे वाले लोग उसे डेमी ह्यूमन समझ रहे होंगे एंड उससे काफी डरे हुए भी लग रहे होते हैं। फिर वहां पर टमोई, मियो एंड एमा एंड शिकी भी दिखाए जाते हैं। फाइनली मिसुमी अपने फायर एरो का यूज कर रहा होता है, जिसके साथ ये ट्रेलर भी एंड होता है। शायद से इस सीजन में मियो एंड एमा का रोल काफी कम होगा, जिससे हमें वो स्क्रीन पर कम ही दिखेंगे। मैंने पहले भी कहा था वो लड़की एंड जो कि ज्यादा ही दिखाई देगी हमें नेक्स्ट सीजन में। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट कर देना एंड कैसा लगा ये ब्रेक डाउन। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में एंड गुड बाय एंड सायोनारा।